अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हम स्पेनिश ऑमलेट बना रहे हैं, तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने ना 1 कप पत्ता गोभी ले ली है, इसे मैंने कट कर लिया, वाश पहले ही मैंने कर लिया था। और ये मैंने ना 2 छोटे प्याज ले लिए हैं, तकरीबन ये 1/2 कप ये प्याज हैं और 1 कप आलू हैं। तकरीबन वज़न में ये 100 ग्राम है, और 100 ग्राम ही पत्ता गोभी है, और जो है 100 ग्राम से थोड़ा सा कम है ये प्याज, मैंने कटिंग कर ली है इनकी ना। और ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, मैंने इसको ना कटिंग कर ली है मैंने इसकी, तो ये बारीक बारीक कर लिया मैंने इसको। और ये मैंने ना 4 अंडे ले लिए हैं, इन्हें मैंने तोड़ लिए। ये मैंने पैन रखा हुआ है और मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। और ये मेरे पास ना ऑयल है, तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा कम है। ये मेरा ना व्यूअर्स ऑयल गर्म हो गया है, और मैं सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें आलू डालूंगी, क्योंकि आलू ज़रा हार्ड होते हैं, तो इन्हें मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँ, फिर मैं बाकी वेजी डाल दूँगी। ये कुछ पत्ता गोभी चली गई है, ये मैं इसमें ना तकरीबन 1/2 टीस्पून जो है ना सॉल्ट डाल दूँ। देखिए मेरे आलू साल हो रहे हैं, 2 मिनट हो गए तकरीबन, थोड़े हो जाए फिर बाकी वेजी डालते हैं। अच्छा व्यूअर्स, मैं ना ये बाकी भी है ना हमारे पास, ये प्याज और ये पत्ता गोभी, ये भी मैं डाल दूँगी बिस्मिल्लाह। ये हमारा स्पेनिश ऑमलेट बन रहा है, बहुत मजे का बनकर तैयार होता है, आपने भी जरूर ट्राई करना है। मैं इन्हें थोड़ी देर पकाऊंगी अब। अच्छा भी बस ये मेरे ना तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं, अब मैंने इसको ढक के पकाऊंगी तकरीबन 5 मिनट, फिर ये सारी वेजिटेबल जो है ना वो ये गल जाए। अभी बस जब तक वो हमारी ना सब्जियां गल रही हैं, तो जब तब तक ना मैं ये अंडों में ये डालूंगी। मैंने धनिया डाला, ये सब्ज़ धनिया मैंने फ्रीज किया हुआ। हाँ डालेंगे ये ब्लैक पेपर है, तकरीबन 1/2 टीस्पून ना, थोड़ी सी मैं और डाल दूँगी, और थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून, उसमें भी मैंने डाला ना सब्जियों में, तो थोड़ा सा मैंने और डाला। और अब इसे मैं फोक की मदद से ना इसमें आप इसमें पुदीना भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, तो मैंने धनिया डाला। अच्छी तरह इन्हें फेंट लेंगे हम अंडों को। चलिए बस ये मुझे थोड़ा सा ना पुदीना भी मैंने फ्रीज किया हुआ था, ये भी मैंने डाल दिया इसमें ना, इसकी ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह खुशबू आएगी ना। अभी बस ये ना 5 मिनट हो गए हैं, और हम लोग ना देखते हैं हमारी ये ना सब्जियाँ जो है ना वेजिटेबल हमारी गल गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें ना गल गए हैं, और अब मैं इसको ठंडा करूँगी कि ये ना मेरी जो है ना वेजिटेबल ये मेरी ठंडी हो गई है, और मैं इसमें उठाऊँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमने एग जो फेंट के रखे हुए हैं ना, इसमें मैं डाल दूँगी। अच्छा व्यूअर्स, ये हम इसमें मिक्स कर देंगे सारे वेजी को। ये मैंने बहुत प्यारा सा पैन रखा हुआ है, और इसमें मैंने ना तकरीबन जो है 5 टेबलस्पून जो है ना ऑयल डाला, और मैंने ना इसको सारे को इस तरह लगा देना। इसको हम खिला देंगे अच्छी तरह,
दी है इसकी, और मैं ये दरमियान में थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल दी। इसमें अगर आप ये नहीं डालना चाहते ना मोज़रेला चीज़, तो आप स्किप कर दें और इसको आप अंडे को ना सारे को इसमें डाल दें। ये मैंने दी है इसकी, और जो मेरी बच गई है ना ये मैं ऊपर एक लेयर लगाऊंगी इसकी। ये हमारा बहुत प्यारा सा ना स्पेनिश एग बन रहा है, स्पेनिश ऑमलेट। इसमें इसको आपने अच्छी तरह सेटिंग कर देनी है इसकी। अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने ना इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए कवर कर दी है, और मैंने ना मीडियम इसकी फ्लेम जो है ना मीडियम कर दी है। तो एक साइड पक जाएगी, फिर हम इसको ना दूसरी साइड पकाएंगे। 7 मिनट हो गए हैं और अब मैं ना इसको चेक करती हूँ। व्यूअर्स, ये मैं ना इसके ऊपर प्लेट लगाऊंगी और मैं इसकी ना साइड चेंज करूँगी। बिस्मिल्लाह, देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी। अब मैं इसको ना दूसरी साइड को करूँगी। बिस्मिल्लाह लगा हुआ है, अब मैं नहीं मज़ीद आयल नहीं लगाऊँगी इसको। बिस्मिल्लाह, अब मिनट के लिए मैं इसको ना कवर कर दूँगी। स्पेनिश एग तैयार है और मैं अब इसे ना डिश आउट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, देखें ये हमारा ना स्पेनिश ऑमलेट तैयार है। तो लुक तो बहुत प्यारी आई है, तो अब टेस्ट करेंगे। तो फिर अच्छा, अगर मेरी ये मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आई। अच्छा व्यूअर्स, अगर मेरी ये स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं।